बस ऐसे ही हंसते रहिए, खाते रहिए, खिलखिलाते रहिए, खुश रहिए। तुम आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आर चैनल। माई सेल्फ क्वेश्चन, होप यू आर गोइंग वेल। आज है 7th of April 2023। आज 15वां रोज़ा है और जैसा आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा तो हमने यही एंड किया था। अभी मैंने असर की नमाज पढ़कर आया हूँ और लास्ट व्लॉग एंड किया हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ एक इफ्तारी प्रोग्राम में। गजीबो द मंदी विलेज ने एक इफ्तारी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है जिसमें ऑल कम्युनिटी के लोग आएंगे और इफ्तारी का लुत्फ उठाएंगे, मज़ा उठाएंगे। तो अभी हम आ जाएंगे, मुझे कुछ वीडियो कवरेज का काम है, तो जो भी मैं व्लॉग शूट करूंगा तो आपको इसके आगे देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अभी देखिए, हम जैसा आए हैं, रमजान फेस्टिवल गजीबो द मंदी विलेज ने ऑर्गेनाइज किया है और यहाँ पर आज एक इवेंट है, अमन की इफ्तारी। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी रौनक नजर आ रही है और यहाँ पर कितने लोग अपने अपने कामों में लगे हैं। बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है गजीबो द मंदी विलेज की टीम ने। और यहाँ पर काफी बड़े नाम आए थे, औरंगाबाद के काफी बड़े पॉलिटिशियंस आए थे, काफी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आए थे, काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे और काफी लोग आए थे और काफी कॉन्टेंट क्रिएटर्स आए थे औरंगाबाद। और सभी के लिए काफी अच्छा इफ्तार का अरेंजमेंट किया गया। जैसा कि आपको पता है कि हर समाज के लोग आने वाले थे और हमको काफी अलग अलग रिलीजन के लोग वहां पर नजर आए। सबने मिलकर इफ्तारी की, इफ्तार का वक्त हुआ, बहुत अच्छा लग रहा था। सभी लोग गपशप कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, साथ में एक बहुत हैप्पी मोमेंट हमको नजर आया। ऐसा लग रहा था कि कोई ईद फेस्टिवल है। सभी लोगों ने एंजॉय किए, तो कुछ लोग नमाज के लिए चले गए थे इफ्तार के बाद, नमाज से आए, उसके बाद डिनर का भी अरेंजमेंट था। फिर वहां पर MP इम्तियाज जलील साहब ने इस अमन की इफ्तारी के बारे में उनके ख्यालात का इजहार किया। आज जो सैयद साहब अशफाक ने जो ये आज रखे थे अमन का इफ्तार, तो यकीनन शहर के अंदर कुछ ऐसे वाकयात हुए थे जिसके बाद कुछ अलग अलग तरह की बातें हो रही थी। लेकिन जब ये प्रोग्राम में जब सब साथ में आते हैं, ये समझ में आता है कि अगर कुछ मायने रखती है तो इंसानियत ही मायने रखती ही है। बस ऐसे ही हंसते रहिए, खाते रहिए, खिलखिलाते रहिए, खुश रहिए। और काफी न्यूज चैनल वाले भी थे, उन्होंने भी काफी अच्छे से इस इवेंट को कवर किया। डिनर का अरेंजमेंट भी रखा गया था, डिनर भी काफी टेस्टी था, स्पेशली द हरीस एंड बिरयानी, हायर पोटल्स सर्व किए जा रहे थे वहाँ पर, बहुत अच्छी सर्विस थी। उन्होंने स्पेशली द ओनर ऑफ गजीबो द मंदी विलेज अशफाक भाई, उन्होंने सभी को एक पर्सनल टच दिया। और औरंगाबाद के काफी बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स भी आए थे, उन लोग ने भी काफी इंजॉय किया और सभी ने न्यूज चैनल में रिव्यूज दिया। स्पेशली सभी रिलीजन के लोग हमको नजर आ रहे थे, ये बात सबसे अच्छी लग रही थी। वहाँ पर हमारा जो इवेंट था कवर करना हो गया, उसके बाद हम लोग दिल्ली गेट गए। अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का इंसान को बोलते। अच्छा, आगा यानी कोई इंसान अपनी मौत से जो है तो अवेयर नहीं है। अच्छा, आगा यानी अवेयरनेस। तो आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। तुम पूरे 100 बरस का जिंदगी भर का सामान जमा कर रहे हो अपना, लेकिन तुमको तुम्हारी पल की खबर नहीं, तुम जिंदा रहेंगे कि नहीं। हमारे साथ पे थे फैसल कुरैशी भाई, मुदस्सिर नतीम भाई, एस के अफराज भाई, नुमान अहमद भाई, हम पांचों मिलकर दिल्ली गेट गए थे वहाँ पर चाय पीने। और कैसा था आज का इफ्तार, कैसा एक्सपीरियंस था? देखिए, इफ्तार में पहली बात तो अमन की इफ्तारी थी, वो बहुत लोग थे वहाँ पर, हर समुदाय के, हर तबके के, हर तरह के लोग थे, शहर के नामचीन के लोग थे, उसमें अपने को भी बुलाए गए, ये बहुत बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए। और खाने का इंतजाम बहुत अच्छा था, स्टार्टर बहुत अच्छे थे, इफ्तारी अच्छी थी, खाना बिरयानी बहुत, बॉम्बे बिरयानी बहुत अच्छे थे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज फिर से काशी भाई के ब्लॉग पे आने को हमें मौका मिला। हाँ, डिकाइशन है। सो ये अफराज भाई बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर है। थैंक यू सो मच। मैं काफ़ी इंस्पायर होता हूँ, काफ़ी लोग मुझे फ़ायदा होता। थैंक यू सो मच। लोगों को आज गजीबो पर जाने का मौका मिला अमन की इफ्तारी पर और काफ़ी अच्छा लगा। विद अ गुड मैसेज, उन्होंने इफ्तारी का प्रोग्राम रखा है खाने के साथ और काफ़ी अच्छा है। बारिश का भी मौसम हो गया औरंगाबाद शहर में, वेदर रिपोर्ट भी बता दिया, न्यूज़ भी बता दिया, अब क्या बता दें। क्वेश्चन आपकी कंसिस्टेंसी के पीछे आपका राज क्या है? लाइक आप डेली ब्लॉग्स करते हो तो क्या है उसमें? डी जी रहे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ब्लॉग वायरल हो जाएगा। दुनिया कहाँ है वही वायरल हो जाएगा। चाय फर्स्ट टाइम ब्लॉग कर आइए और ये हमारा स्पून हमें ऐसे मिलता है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। कुछ बोलना पड़ता है, कैमरा आया तो। और काफ़ी अच्छा लगा, चाय हमने एंजॉय किया। फिर वहाँ पर कुछ देर में मुदस्सिर भाई आए, ये बुक चैनल वाले। अस्सलाम वालेकुम।
फिर उसके बाद शफीक भाई आए, असलम भाई आए, अफरोज भाई आए और सब मिले, बहुत सारी बातें भी। और मेरे कैमरे की बैटरी लो गई थी तो इसलिए आपको आगे के सीन्स देखने को नहीं मिले। आज है 8th of April 2023 और आज है 16वां रोज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हमारी सहरी हो गई है और अभी आज का व्लॉग भी मुझे शूट करना है, तो मैंने सोचा हूँ कि ये अमन की इफ्तारी का व्लॉग को अपन सेपरेट रखते हैं। और पर्सनली मेरे को तो बहुत पसंद आया ये अमन की इफ्तारी का कॉन्सेप्ट, स्पेशली द गज़ीबो द मंदी विलेज की टीम। मैं आप सभी को अपनी चैनल की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे गज़ीबो द मंदी विलेज को आपने अब तक फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक रमजान फेस्टिवल गज़ीबो द मंदी विलेज में जो ऑर्गेनाइज किया है, अगर आप वहां पर नहीं गए तो आप जरूर जाइए। अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये व्लॉग को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आज की जो रूटीन है तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेंगी। और आज हम काका जाते हैं, वो सब कुछ आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो ये व्लॉग स्पेशली अमन की इफ्तारी को डेडिकेटेड होता है। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया, प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कूल, ओके, टेक केयर, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।